बिल्कुल जी, बेगमकोट चौक के अंदर मौजूद हैं और इसका रोड जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। ये जनाब कल एतवार था, कल भी इन्होंने बड़ी भाग दौड़ की और तैयारी कर रहे थे सड़क की, और आज जो है वो फाइनली आपको दिखाया जा रहा है। ये असल में मकसद ये भी होता है वीडियो का कि कैमरे की आंख में जो है ना कुछ यादें महसूस हो जाए कि इस एरिए की इसकी पहले लुक क्या थी और अभी जो है वो मौजूदा, अगर इसको 5-10 साल के बाद वीडियो को देखा जाए तो तब क्या तैयार होगी। ये भी एक मकसद होता है, ये पीछे जो है वो आपको हैवी मशीनरी काम करती हुई दिखाई देगी, कैमरे की सामने वाली आँख से भी आपको दिखाएंगे ये मसला जो है वो जल्द पूरा होने वाला है। और आखिरकार बेगमकोट के लोगों की किस्मत बदलने जा रही है, यहाँ पर बड़ी अजियत से 15 साल से जब गुजार रही है। एम एन ए मलक रियाज राना तंजीर यहाँ के कहने के लिए एक ऐसा इलाका है कि यहाँ से लाहौर की यूसी का आगाज़ होता है, यूसी बांध तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस ये कि ये पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो पी टी आई और चौधरी परवेज अलाई उनकी ये कहने के नवाजिश है, यासर गिलानी का बड़ा नाम लिया जाता है, उनका बड़ा इसके अंदर अमल दखल है इसको बनाने में। चले जिसका भी है जी सिरा, जिसके भी सर असर में तो लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इस रोड को पी टी आई वाले या पी एफ एल वाले इस्तेमाल तो नहीं करते ना भाई, सारी आवाम का ये पैसा है और आवाम के पैसे को जो है वो अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जनाब आपको मशीनरी इधर से भी दिखाते हैं, ये बेगमपोर की चौक है, कैमरे की आंख में ये चीज़ें महफूज हो जाएंगी, हम फिर अपने बच्चों को दिखाने वाले होंगे। जनाब ये पहले इस तरह की चीज़ें और आज इस तरह की, ये एक लाइन जो है वो बनने वाली है, एक लाइन जो मुझे बन जाएगी तो फिर दूसरी भी इस्तेमाल होगी। ये लाइन आपको दिखाते हैं, ये तकरीबन पूरी हो जाएगी आज या कल के अंदर, और फिर यहाँ पे लोड आ जाएगा ट्रैफिक का। और फिर ये जो शरपुर रोड को जाने वाली, नैशनल रोड को जाने वाली सड़क है, ये भी इसका भी काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब वीडियो कर दिया करें, लाइक किया करें और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों को, और ये आपकी छोटी सी एफर्ट जो है के लिए बड़ी हौसला मंद होती है। इंशाल्लाह मजीद आपको वीडियो बनाकर जो वो आगाह करते रहेंगे। बेगमपुर चौक के बाद शाहदरा चौक की बारी है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। थैंक यू।